अमेरिका में हुई भारत और अमेरिकी सेनाओं की ज्वाइंट वॉर प्रैक्टिस का एक रोमांचक पल सामने आया है, जिसे देखकर आप भी गर्व महसूस करेंगे। वॉर प्रैक्टिस के दौरान अमेरिकी सेना के बैंड ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की धुन बजाई। अमेरिकी सैनिकों के इस मनमोहक अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। Magazine, all right, and I'm gonna insert that magazine. वाशिंगटन में 5 सितंबर से 16 सितंबर तक चली भारतीय और अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी जॉइंट वॉर प्रैक्टिस भले ही खत्म हो गई है, लेकिन इस वॉर प्रैक्टिस ने दोनों देशों के बीच नजदीकियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वॉर प्रैक्टिस में जहां दोनों देशों की सेनाओं ने साथ मिलकर अपनी युद्ध कला को और ज्यादा प्रभावी बनाया, तो वहीं इस वॉर प्रैक्टिस के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अच्छी खासी केमिस्ट्री भी देखने को मिली। वॉर प्रैक्टिस में दोनों सेनाओं के रोमांचित करने वाला पल भी सामने आया, जिसने लोगों का मन जीत लिया। 16 सितंबर को वॉर प्रैक्टिस के समापन पर अमेरिकी सेना के बैंड ने भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाई। इस मौके पर भारतीय सेना के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। जन गण मन की धुन बजाने वाले इस अमेरिकी आर्मी बैंड में पुरुष महिला दोनों शामिल हैं। अमेरिकी सेना के बैंड से निकली जन गण मन धुन ने लोगों के दिलों को छू लिया। सोशल साइट्स पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को शेयर कर दोनों देशों की सेनाओं को सलाम करते हुए उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो से जाहिर हो रहा है कि दोनों देशों के सैनिकों ने इस वॉर प्रैक्टिस को एक साथ काफी एंजॉय किया, और इससे पहले भी वॉर प्रैक्टिस का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें असम रेजिमेंट के मार्चिंग सॉन्ग बदलू राम का बदन जमीन के नीचे रहता है पर भारतीय सैनिकों के साथ अमेरिकी सैनिक झूमते गाते नजर आए थे। बता दें कि हाल ही में दोनों सेनाओं के जवानों के लिए भारतीय सिखों की तरफ से लंगर का प्रबंध किया गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। स्थानीय सिख वॉलंटियर्स ने जवानों के लिए लंगर लगाया और दोनों सेनाओं के जवानों को खिलाया था। बता दें भारत अमेरिका की सेना के बीच हुए सैन्य अभ्यास को युद्ध अभ्यास 2019 नाम दिया गया है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने की ओर ये बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।